तेलुगु फिल्म डायरेक्टर कोडी रामाकृष्णा का निधन, शोक में पूरा फिल्म जगत। तेलुगु फिल्म के मशहूर डायरेक्टर निर्माता कोडी रामकृष्ण का शुक्रवार को निधन हो गया। कुछ समय पहले सांस लेने में परेशानी आने के कारण उन्हें हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रामकृष्ण ने हैदराबाद के एक अस्पताल में शुक्रवार को अंतिम सांस ली। रामकृष्ण एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर भी थे। हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु फिल्मों में लंबे अरसे तक अपना योगदान। फिल्म निर्माता कोडी रामाकृष्णा की मृत्यु पर पूरे फिल्म जगत में शोक है। कोडी रामाकृष्णा का जन्म आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में हुआ था। कोडी रामाकृष्णा इससे पहले भी एक दिल का दौरा और पैरालिसिस अटैक झेल चुके हैं। कुछ दिनों पहले कोडी रामाकृष्णा को अचानक सांस लेने में परेशानी आने लगी, जिसके बाद इन्हें हैदराबाद के गचीबोवली में स्थित AIG अस्पताल में भर्ती कराया गया। ICU में भर्ती कोडी रामाकृष्णा की शुक्रवार को अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और दोपहर के समय उनका निधन हो गया। उन्होंने भारतीय सिनेमा में 30 से ज्यादा साल तक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। कई बार उन्हें बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। रामकृष्ण ने 1982 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनका साउथ के साथ साथ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी सराहनीय योगदान रहा। उन्होंने कई तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी फिल्में बनाई। हालांकि उनका सबसे ज्यादा योगदान तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में रहा, लेकिन उनके काम को पूरे भारत में सराहा गया। आपको बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म रामया वीधिलो कृष्णाया से कोडी रामाकृष्णा ने डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने 30 साल के करियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्में बनाई। कोडी रामाकृष्णा उन फिल्म मेकर्स में से एक हैं जिनकी बनाई हुई अधिकतर फिल्में सफल रही हैं। साल 2012 में उन्हें रघुपति वेंकय अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।